जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप श्री श्री राम जी की कृपा से बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल, टू माय गुरुज, शिक्षा गुरु एंड स्पिरिचुअल गुरु, ठीक है, जिनसे भी मैंने अपनी एजुकेशन ली है और जिनसे स्पिरिचुअली मैं ग्रो कर रही हूँ भगवान की कृपा से, उनको हैप्पी टीचर्स डे। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉर्ड राधे श्याम सीताराम, आवर पेरेंट्स एंड आवर मटीरियल एंड स्पिरिचुअल गुरुज को हैप्पी टीचर्स डे। टीचर्स डे, टीचर क्या होता है? टीचर वो होता है जो हमें लाइफ में रास्ता दिखाता है, दिशा दिखाता है कि आपको कैसे सक्सेस होना है, कैसे आपको एजुकेशन प्राप्त करनी है, मटेरियल में आपको कैसे सक्सेस होना है। लाइक आपको इफ़ यू वांट टू अर्न समथिंग, देन यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चॉइस, यू नीड टू चूज दैट वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम। लाइक प्रोफेशन में जाना है, बिजनेस में जाना है, आपको आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है। आप चाहे आपने एजुकेशन कम ली हो, ज़्यादा हो, आपको आपको मतलब एक प्रॉपर नॉलेज और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। शिक्षक शिक्षक जो टीचर होता है वो ज़रूरत ज़रूरी ही नहीं कि आपके एजुकेशन में हो, आपके कोई भी फील्ड्स में हो सकता है। लाइक आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, तो उनके लिए ये दिवस होता है, ये डे होता है, हैप्पी टीचर्स डे। आजकल क्या हो रहा है, टीचर की अगर बात की जाए, टीचर और पेरेंट्स और बच्चे में तीनों में ही मतलब दिखा गया खामियां। डिस्क्लेमर इस वीडियो में कि जो भी मैं बात बोल रही हूँ, दैट इज़ माय ओपिनियन, आई एम नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है, विद माय परसेप्शन दैट आई एम ऑब्जर्विंग एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड इवन आई कमिटेड सम मिस्टेक्स दैट आई एम admitting in this video, and I would like to say sorry to my sir, Sushil Rustagi sir, जिन्होंने मुझे professionally train किया, still I'm getting trained myself, तो उनको भी मैं मतलब social media platform पे मैं sorry बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप teacher को test करने start कर देते हो तो उस time से आपका पतन होना start हो जाता है, तो मैंने एक बार ऐसी गलती की थी, तो ऐसा मुझे लगता है कुछ मेरे मतलब फेलियर्स में वो भी एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है, वो चीज़ की मैंने थोड़ा सा आपको कहते हैं ना, जब बच्चा टेस्ट करने लग जाए तो मान लो वो बच्चे के जो सक्सेस में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, दैट आई एम फेसिंग। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, इफ़ पॉसिबल देन प्लीज़ फॉरगिव मी। और बस भगवान की तरह ही आपके शिक्षक होते हैं, गुरु होते हैं, टीचर्स होते हैं, ठीक है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए पेरेंट्स को या बच्चे को कि हम पैसे दे रहे हो और पढ़ रहे हैं। आप पैसे दे रहे हो वो तो देखो, वो तो आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक आप कोई आप अपनी फीस दे रहे हो, 1000-2000 मंथली दे रहे हो, तो टीचर क्या करता है उसको अपने ऊपर, अपने लाइफ स्टाइल में, अपनी फैमिली के लिए उसको स्पेंड करता है, एंड दैट इज एंडलेस, मतलब दैट इज एंडिंग, कि वो खत्म हो गया। और जो आपकी एजुकेशन होती है दैट इज एंडलेस, उसका कभी भी समाप्त नहीं होती। वो आपको ज्ञान इतना आपको आपके टीचर देते हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है ना, तो ज्ञान आपको देते हैं उसका तो कुछ मतलब वो तो अमूल्य है, दैट इज प्राइसलेस, दैट इज सो प्रीशियस। सो रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड यू, आई एम ऑलवेज थैंकफुल एंड रिस्पेक्टफुल एंड ग्रेटफुल टू माई टीचर कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। हाँ, आई एम स्टिल आई एम डूइंग दिस, और भगवान की कृपा से और आप लोगों का आशीर्वाद रहा हूँ मेरे गुरुज के टीचर से, तो आई डेफिनेटली गेट माई विजन, ठीक है। और आजकल क्या करते हैं पेरेंट्स, करते हैं कि हमने पैसा दे दिया तो टीचर को खरीद लिया, आपने इतने घंटे क्यों नहीं पढ़ाया, इतने टाइम क्यों नहीं बुलाया, आपने इतनी छुट्टियाँ क्यों ली, ये दिया। भाई टीचर भी तो कभी बीमार हो सकता है, उसकी फैमिली में भी इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली फंक्शंस भी हो सकते हैं, ही इज ऑल्सो ह्यूमन बींग, ही शी हूसोएवर इज, तो हमें समझना चाहिए टीचर्स को, उसके जो भी उसके हैबी, जो उसके साथ मतलब व्हाट द सर्कमस्टांसेस। तो बस यही है कि टीचर की हमेशा रिस्पेक्ट करो, अगर आप टीचर की रिस्पेक्ट करते हो तो आप वो दिन दूर नहीं है जब आप अपने सक्सेस को प्राप्त करो। देखो टीचिंग इज दैट प्रोफेशन जो टीचर जो सेल्फलेसली आपको देता है, पूरा अपना ज्ञान दे देता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आप
उसके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे ऐसे लोग कमेंट्स करते हैं कि उस टीचर का नाम इस टीचर का नाम ऐसे रखते हैं। सो डोंट बिकम सच काइंड ऑफ गाय। ओके, जस्ट रिस्पेक्ट। मेरी वीडियो का आज मेन खास यही था, ब्लॉग्स मैं शूट नहीं कर पा रही, टाइम भी नहीं मिल रहा और थोड़ा सा ऐसे कंटेंट भी नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग, और तभी मैं शॉर्ट्स डाल रही हूँ। टीचर्स का ये एक्चुअली फ़ोन की जो मेमोरी फुल हो गई थी तो उसको मैंने क्लियर किया। हाँ, कॉन्टिन्यूशन में यही है कि टीचर को आप अपने गुरु के समान मांगिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सरेंडर योर सेल्फ टू योर टीचर कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं यहाँ आई हूँ आपसे पढ़ने आई हूँ, जो भी ज्ञान है वो मुझे दीजिए और मैं एक अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है मैं अच्छा अर्न करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने अंदर ऑनेस्टी दिखाइए, क्योंकि टू बी सक्सेसफुल फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट अगर आप हैं, अगर आप हैं तो भगवान, टीचर सब आपकी मतलब सहायता करते हैं। इवन जो मेरे टीचर्स हैं, सच में जैसे आपका मन होता है वैसे ही भगवान आपको राह दिखा देते हैं। जैसे मैंने भी पहले वीडियोज़ में बताया था कि मेरी फाइनेंशियली कंडीशन वॉज नॉट गुड, तो मेरे जो टीचर थे जो अभी प्रोफेशनल फील्ड में हु टॉट मी, इवन उन्होंने मुझे कॉलेज में भी जो मेरा था बीकॉम उन्होंने मुझे पढ़ाया, तो उन्होंने कभी ऐसा डिमांड नहीं किया कि आपको फीस अभी ही देना पड़ेगा। मैंने बहुत टाइम बाद उनको दी थी एंड उन्होंने कभी मुँह से बताया भी नहीं, टोका भी नहीं। इवन आज के टीचर्स जैसे मैंने ऑब्जर्व किया सुना, तो टीचर बीच में बच्चे को टोक देते हैं तो बच्चे को थोड़ा फील होता है जाते हुए ना कि नहीं मम्मी वो मुझे टोकेंगे। अरे ठीक है, यू आर ऑल्सो स्टूडेंट ना, कभी तो रहे होगे, तो आपको उस नज़र से देखना चाहिए। टीचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, देखो पैसा सबको चाहिए होता है अपना घर को मेंटेन करने के लिए, अपने बच्चे बीवी सबको मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए होता है। बट हाँ, पैसे से भी इम्पोर्टेंट कोई चीज़ होती है ह्यूमैनिटी। तो अगर हम किसी को पढ़ाते हैं और वो बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत खुशी होती है। मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाया एंड आज वो अच्छे हैं तो बहुत अच्छा लगा। इवन मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी, आई थिंक शी वॉज इन, अभी प्रॉपरली मुझे याद भी नहीं, काफ़ी साल हो गए, तो उसको मैंने पढ़ाया। नहीं, गर्ल को तो मेरी सिस्टर ने पढ़ाया था, बॉय का फर्स्ट वॉज रॉनी था एंड ही वॉज सो क्यूट। तो मतलब पढ़ा के और फिर ऐसा फीडबैक आया ना पेरेंट्स से कि हाँ आप बच्चा अच्छा पढ़ रहा है एंड बहुत अच्छा समझदार हो गया, तो बहुत अच्छा लगता है टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। बस अपने टीचर की, अगर आपको सक्सेस होना है तो सबसे मेन सफलता की कुंजी यही है कि अपने टीचर को ऑनेस्टी दीजिए और रिस्पेक्ट दीजिए और रेगुलर रहिए अपनी स्टडीज़ में, और स्टडीज़ में, लाइफ में, मटीरियली, स्पिरिचुअली आप रेगुलर रहिए और कंसिस्टेंट रहिए और बस बने रहिए। ठीक है, हमें ध्यान रखना चाहिए इस टीचर्स डे पे। वी शुड प्रॉमिस विद आवर सेल्स कि हमें स्पिरिचुअल भी अपने आप को ग्रो करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई योर गुरुज स्पिरिचुअली। लाइक मेरे इस्कॉन में मेरी माता जीज हैं, तो आप आपने नाम ले रखा है उधर जाइए, और जो भी आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने के लिए है रिक्वायरमेंट, जस्ट बी विद इट। और बस यहीं अपनी बात को विराम देती हूँ एंड मैं ये बोलना चाहूँगी यार, जो हम देते हैं ना वो हमारे पास आता है, तो आप ये मत सोचिए कभी किसी का हमें टेस्ट ही लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्या परिस्थिति आ जाए कोई हमारा टेस्ट ले। तो भगवान तो हमारे हर कदम पे हमारे टेस्ट लेते हैं, ये तो जरूरी नहीं हम पास या फेल होते हैं, पास फेल दोनों ही होते हैं। ठीक है ना, पेन गेम्स देज नो वेज नो पेन देज नो गेम। ठीक है ना, अपने आप को तपाइए और तपा के ही आप गोल्ड बनेंगे, स्वर्ण बनेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय सियाराम, गॉड ब्लेस यू ऑल, हरे कृष्णा, जय सियाराम।